वन वेलकम टू कारण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो वीडियो लेक्चर नंबर लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं जिसने अभी तक नहीं देखे आपको मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जेके एस एस बी नाम से तो जाके वहां पे आप पुराने वीडियोज आप सारे देख सकते हैं आज हमारा यूनिट टू का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बच गया है वो भी कवर हो जाएगा और यूनिट टू आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट थ्री स्टार्ट करेंगे जिसके ऑलरेडी दो चैप्टर्स मैंने आपको कवर करवाए हैं ह्यूमन राइट्स भी हमने डिटेल में पढ़ा है एंड आपका यू भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो भी हमने इन डिटेल कवर किया है ऑलरेडी पुराने वीडियोस में जो आपको मेरी चैनल पे मिल जाएंगे अगर आपको मेरे वीडियोस का पी चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहाँ से जाके आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर मैं पी टेस्ट सीरीज़ वगैरह अपलोड करती हूँ एंड रिसेंटली जो आपका यूनिट सिक्स का स्कीम्स वाला पार्ट है उसका पार्ट वन भी वहाँ पर अपलोड हो गया है एंड कुछ दिनों में पार्ट टू उस पर भी करंटली काम चल रहा है पार्ट टू भी जल्दी अपलोड हो जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर हम कंप्लीट करेंगे उसका लास्ट टॉपिक बच गया है प्लस जो मैंने आपको क्वेन नंबर फोर दिया था वो टेलीग्राम ग्रुप में जो अपलोड किया था उसका सोल्यूशन भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम ये सारा हमारा कवर हो गया है फोबिया फोबिया सिम्टम्स ऑफ ये हमारा कल रह गया था छोटा सा टॉपिक तो फोबिया यू नो डर वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया और मैंने कहा क्लासिफिकेशन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कौन से फोबिया को क्या नाम दिया जाता है तो वो आप याद कर लोगे सिम्टम्स ऑफ फोबिया क्या होते हैं इंटेंस एंड डिसेबलिंग फेयर पैनिक एंगजाइटी ठीक है आपका काफी अंदर वो फेयर डेवलप होता है आप वो काम नहीं कर पाते हो जो आप करना चाहते हो अगर किसी को एक्कोफोबिया जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं तो वो स्विमिंग पूल वगैरह के नज़दीक ये लेक्स वगैरह देख भी नहीं पाता है ठीक है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल बन जाता है अवॉइडिंग सर्टेन प्लेसेस प्लेसे एंड सिचुएशन फॉर फेयर आप अवॉइड करते हो वहाँ पर जाना जैसे फेयर ऑफ हाइट्स होगा तो माउंटेन क्लिफ्स वगैरह नहीं जा पाएंगे अवॉइडेंस बिकम्स प्रोमिनेंट एंड इफेक्ट नॉर्मल लाइफ को इफेक्ट करेगा ऑब्सेसिव थिंकिंग ठीक है आप ज्यादा सोचोगे अगर आपके अंदर फेयर डेवलप होगा कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाता हूँ फ्लीइंग फ्रॉम द सिचुएशन परसिस्टेंट वरी में आप रहोगे आपको हमेशा एक डर लगा रहेगा आपके साथ चलेगा वो डर शेकिंग एंड पेल्पोटेशन हार्ट बीट वगैरह भी इंक्रीज हो जाती है ऐसे फेयर का जब आप सामना करते हो तो जो फोबियाज हैं वो ज्यादा प्रिविलेंट होते हैं देन यूर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड हैव नो स्पेसिफिक नोन और कॉज फॉर हैपनिंग तो इसका कोई आपको नोन कॉज नहीं पता होता कि क्यों बस इंसान में फिर डेवलप हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर तो लास्ट टॉपिक देखते हैं पैनिक डिसऑर्डर पैनिक जो है इट मे कम अबाउट विद नो वार्निंग साइंस कि ऐसा नहीं है पहले आपको लगे कि आप पैनिक होने वाले हो ठीक है ये आप में अचानक से वो फीलिंग एक आ जाती है काफी लोग हैं जिनको ये पैनिक अटैक्स आते हैं ठीक है तो वो जो पैनिक अटैक्स हैं वो किसी एक वार्निंग के साथ नहीं आते वो अचानक से वो आपने वो एक डेवलप uh, हो जाता है एक हाइट एंड एंगजाइटी सी डेवलप हो जाती है हार्ट बीट तेज़ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है तो उसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं ठीक है तो इंडिकेटर्स आर मोस्टली सिमिलर टू जो आपके गैड में होते हैं वैसी ही चीज़ें यहाँ पे भी होना शुरू हो जाती हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई इंक्रीज़ हार्ट रेट हो गया डिजीनेस हो गया चक्कर जैसा आ रहा है या फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाते आप इनफैक्ट जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाई पैनिक अटैक्स आते हैं वो सही से बात भी नहीं कर पाते वो अपनी सिचुएशन भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते विक्टिम्स को लगता है कि वो मर जाएंगे और विद द विल गो क्रेजी या कुछ अनकंट्रोल्ड चीज़ जो है उनके साथ हो रही है ठीक है मतलब इतना इंटेंस होता है वो जो फीलिंग डेवलप होती है कि उनको लगता है कि बस अब मैं मरने वाला हूँ फ़ाइन और अनयूजल सेंसरी सिम्टम्स जैसे एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है साइको सेंसरी सिस्टम्स मीन्स जैसे आपको हेल्यूसिनेशनस हो जाती हैं ठीक है हेल्यूसिनेशन हो गया आपको जो सामने नहीं होता है आपको वो दिखना शुरू हो जाता है या आपको कोई हाईट एंड सेंसिटिविटी आ जाती है जैसे कोई स्मेल जैसा आपको लगता है कि रूम में कोई स्मेल आ रही है बट कोई स्मेल नहीं होती है तो जब एक्सट्रीम ऐसे पैनिक मोड में एंगजाइटी मोड में चले जाते हो तो हेल्यूसिनेशन या हाइट एंड सेंसिटिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं या आप बात नहीं कर पाते आपके मू मुंह में वर्ड्स नहीं बन पा रहे होते हैं ठीक है तो वो सारी सिम्टम्स को हम साइकोसेंसरी सिम्टम्स बोलते हैं डेज तो कुछ टाइम में आके चली भी जाती है कुछ घंटों तक रह सकती है या किसी के साथ कुछ दिनों तक भी एंग्जाइटी जो है वो रहती है तो डॉक्टर आपको इसके लिए एग्जिट टेबलेट जो है वो रेकमेंड करते हैं दे ऑल्सो डिफरेंस सिवियरटी एंड इन द डिग्री ऑफ इनकेपेसिटेशन कितना वो आपको हार्म पहुँचाए कि आप कोई भी काम नहीं कर पाओ दैट इज योर डिग्री ऑफ़ इनकेपैसिटेशन एंड डिग्री डिफरेंस सिवियरटी कि कितना ज़्यादा इंटेंस आया है क्या बस आके चला गया थोड़ा सा था या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि रह गया दो तीन दिन तक आप उसी प्रोसेस में हो वो डिफ़र करेगा ठीक है तो सब लोगों के लिए सेम नहीं होता है एंड कितना आपको ये इनकेपेबल बनाता है कोई काम करने के लिए वो चीज़ भी सब लोगों के लिए सेम नहीं होती है सिमटम्स ऑफ पैनिक अटैक डिजीनेस अनस्टेडीनेस और फेंटनेस ट्रेम्बलिंग शेकिंग हार्ट पेल्पिटेशन चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट नंबनिंग या टिंगलिंग सिचुएशन होती है फेयर ऑफ डेथ और लूजिंग कंट्रोल इंसान को लगता है कि मैं मर जाऊंगा या कोई और मरने वाला है तो ऐसी सारी फीलिंग्स और सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं पैनिक अटैक से पहले तो ये जो डिसऑर्डर है ये इफेक्ट करता है वुमेन को मोर देन मैन एंड ये यंगर में ज्यादा देखने को मिला है एज कम्पेयर योर एल्डरली कम्पेयर टू अदर एंगजाइटी डिसऑर्डर जो पैनिक अटैक हैं ये अपेयर टू बी मोर डिस्ट्रेसिंग एंड समटाइम्स सीवियर पैनिक स्टेट्स आर फॉलोड बाई द पीरियड ऑफ साइकॉटिक डिसऑर्गनाइजेशन इन विच देर इज रिड्यूस कैपैसिटी टू टेज द रियलिटी साइकॉटिक डिसऑर्गनाइजेशन हो जाती है मतलब आपने ऐसा कई लोगों में देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा कि अगर किन्हीं में ये चीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं या पैनिक अटैक हो रहे हैं तो वो बातें अगर आप देखोगे उनकी बातें वो काफ़ी तेज तेज बोलना शुरू करते हैं वर्ड्स भी जंबल कर रहे होते हैं मीनिंगलेस बातें करना शुरू कर देते हैं वो क्योंकि वो कंप्रहेंड नहीं कर पाते और वो एसेस नहीं कर पाते उनके साथ क्या हो रहा है तो फालतू में कुछ तेज 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 तेज, तेज, तेज बोलना शुरू कर देते हैं ठीक है तो वो सारी चीज़ें साइकोटिक डिसऑर्गेनाइजेशन क्योंकि मूवमेंट सही नहीं हो रही होती उनको लगता है वो पैरालाइज पैरालसिस uh, या उस तरफ जा रहे हैं फाइन अपना मूव जो आधे कंडीशन में अपने जॉ uh, नहीं वो हिला पाते तो सारी डिसऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो हमने अभी जैसे साइकोटिक वो आ, ये पढ़ा था यहाँ पे साइकोसेंसरी सिम्टम्स वही आपका बेसिकली साइकोटिक डिसऑर्गेनाइजेशन भी है तो वैसी सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं एंड आप रियालिटी में जो है नहीं रह पाते सही से रियालिटी को टेस्ट नहीं कर पाते ठीक है तो ये आपका कंप्लीट होता है पैनिक डिसऑर्डर और उसके साथ आपका यूनिट टू जो है कम्प्लीट हो गया यूनिट थ्री का थर्ड चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टू चैप्टर्स हमने कर लिए हैं अगर अभी तक आपने लोग नहीं देखे तो आपको उसकी प्ले में मेरी प्ले में आपको वो चैनल पे मिल जाएगी वहां पर आपको वो टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे तो नेक्स्ट हम चलते हैं वीडियो सोल्यूशन की तरफ हाँ एक सेकेंड लगेगा वीडियो सोल्यूशंस में हम क्या डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको टेस्ट बताया था आई होप आपने वो अटेम्प्ट किया है अगर अभी तक आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया तो मैं क्या बोलू फिर आपको करना चाहिए ठीक है तो इसमें हमने टॉपिक कवर किया है एफ एम के का आपका एक पार्ट है इसमें फैमिली मैरिज एंड किनशिप का वो हम यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू गिलेन एंड गिलन वट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्रिएशन ये मैंने आपको वीडियोज में भी बताया है एंड ये आपके नोट्स पे भी गिवन है कि बिल्डिंग फैमिली बिल्डिंग अ फैमिली ऑफ प्रो क्रिएशन ये इन्होंने प्राइमरी पर्पज बताया था मैरिज का अब देखो मैंने अपने नोट्स में ज़्यादा डेफिनेशन इंक्लूड नहीं की हैं अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो आपको वहाँ से मिल जाएंगी ठीक है एंड कितनी डेफिनेशन आप याद करोगे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो अगर आप हंड्रेड डेफिनेशन आपको मिलेंगी इसमें पूरे टॉपिक में हर थिंकर पे हर टॉपिक पे मिनिमम रखते हैं चलो फिफ्टी डेफिशन फिर कितना पॉसिबल है आपके लिए याद करना ये सारी डेफिनेशन कितना टाइम कंज्यूमिंग है और कितने वहाँ से चांसेस हैं क्वेश्चन आने के तो ऐसा ना हो एक टॉपिक के अपने सारे कॉन्सेप्ट वहीं छोड़ दिए हैं और आप सिर्फ डेफिनेशन याद करने में लगे हो हार्डली दो या तीन क्वेश्चन आपसे डेफिनेशन के पूछे जाएंगे वो भी अगर पूछे फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होता है सोशोलॉजी का कितनी ज़्यादा अगर वो हाई लेवल का एग्ज़ाम भी ऑल इंडिया एग्जाम भी होता है तो कितनी ही डेफिनेशन वहाँ पे पूछी जाती हैं दो चार मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वहाँ डेफिनेशन बेस्ड तो इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन होंगे डेफिनेशन बेस्ड आपको ये सोचना है एंड देन आप कितना टाइम उन पर स्पेंड कर रहे हो जो टाइम आप बाकी चीज़ों पर बाकी कॉम्पोनेंट्स पर भी यूज़ कर सकते हो जो ज़्यादा स्कोरिंग कॉम्पोनेंट्स हैं ठीक है एंड वहाँ से आप कितने मार्क्स गेन करोगे डेफिनेशन से तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज अब देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड करने का क्या मकसद है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज इज नॉट की वर्ड पर आपका ध्यान लेने का क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन अटैप्ट करते हैं हम काफी तेजी से क्वेश्चन पढ़ते हैं कई लोगों में हैबिट होती है मेरे में भी है और इस वजह से हम हमेशा क्वेश्चन जो है वो गलत करके आते हैं क्योंकि नॉट जो है कैरेक्टरिस्टिक या ऐसे क्वेश्चन बीच में ऐसे की वर्ड्स होते हैं अगर आपको यूजअली हमें होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऐसा क्वेश्चन होगा लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे इनकरेक्ट लिखा होता है विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट तो ऐसे में क्या होता है आपका आंसर कंप्लीटली गलत हो जाता है क्योंकि आप दो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन आप क्वेश्चन उल्टा अटेम्प्ट करके आते हो तो जहाँ पे भी नॉट लिखा होगा ये चीज फोकस करना इस इसकी वर्ड पर नॉट तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें से कौन सा इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज तो यूनिवर्सैलिटी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है एंड ड्यूरिंग मैरिज बॉन्ड वो भी यूनिवर्सल uh, कैरेक्टर uh, है इसका मैरिज का ठीक है सोशल अप्रूवल ये आपको चाहिए मैरिज के लिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज है अब विथ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफ मैरिज द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज एक्सक्लूसिविटी बिटवीन मैन एंड वुमेन एक्सक्लूसिविटी बिटवीन मैन एंड वुमेन मीन्स वन मैन एंड वन वुमेन दैट मीन्स आपकी मोनोगी तो क्या मोनोगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज है क्योंकि हमने काफी अगर हम यहाँ पे देखें यूनिवर्सल डेफिनेशन में तो ये आता है टू अडल्ट ऑफिस अपोजिट सेक्सेज ये किसकी डेफिनेशन थी जीपी मोर्डॉक की ठीक है ये यूनिवर्सल डेफिनेशन में आता है लेकिन आपको क्वेश्चन में देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन आपको आंसर इसमें कौन सा लगेगा मोनोगी का क्योंकि हमने पॉलीगैमी की बात भी की हमने पॉली एंड्री की बात भी की हमने पॉलीगाइनी की, की, की बात भी की ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा एक्सक्लूसिविटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज पॉलीगनी परमिटेड पॉलीगाइनी इज योर वन मेल एंड मेनी फीमेल्स मेनी फीमेल्स ठीक है तो पॉलीगाइनी इनमें से जो नीचे कम्युनिटी गिवन है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है मुस्लिम्स में क्योंकि इसमें वन मेल एंड अप टू फोर फीमेल्स आपको अलाउड होती हैं अब टू टाइप्स ऑफ पॉलीगैनी पॉलीगाइनी क्या होता है जिसमें फीमेल ज्यादा होती हैं ये याद रख लेना फीमेल ज्यादा तो फ्रेटर्नल पॉलीगैनी तो होगा ही नहीं फ्रेटर्नल पॉलीगैनी कुछ होता ही नहीं है फ्रेटर्नल आप पोली एंड्री बोलते हो फ्रेटर्नल होते हैं ब्रदरहुड जहाँ पे बाई होते हैं एंड एक्सोगैमस पॉलीगाइनी एक्सोगैमस होता है एक ग्रुप के आउटसाइड शादी करना तो एक्सोगैमस पॉलीगैनी भी हमने कहीं नहीं पढ़ा ठीक है बी को फिलहाल छोड़ देते हैं ग्रुप पॉलीगाइनी ये भी हमने नहीं देखा इंडिविजुअल पॉलीगाइनी ठीक है इंडिविजुअल पॉलीगानी ये भी हमने एज सच कहीं नहीं देखा है मोनोगैमस पॉलीगैनी एंड पॉली एंड्रस ये भी हमने कहीं नहीं देखी मोनोगैमस पॉली पॉलीगैनी क्या होता है पॉली एंड्रस क्या होता है ठीक है तो ये अगर आप बिल्कुल ही फिर किसी डिवीजन के सब 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 डिविजन्स में जाओ जो आपके सिलेबस में है भी नहीं जो मैंने आपको पढ़ाए भी नहीं तो वहां पर आप ये सारी टर्म्स हो सकते हैं कहीं एक जगह देख लो तो इन सब में कौन सा सबसे फिट बैठता है सरोरल पॉलीगाइनी एंड नॉन सरोरल पॉलीगैनी सरोरल पॉलीगैनी क्या होता है जो फीमेल्स होती हैं वो आपस में सिस्टर्स होती हैं नॉन सरोल होता है नॉन सिस्टर्स ठीक है एंड मुस्लिम्स में क्या अलाउड है नॉन सरोल पॉलीगैनी दैट मीन्स अगर आप सेकेंड वाइफ लेते हो या थर्ड वाइफ या फोर्थ वाइफ भी लेते हो जब तक आपकी पुरानी बीवियाँ जिंदा है आप उनकी बहन से शादी नहीं कर सकते हो हाँ बीवी की डेथ के बाद अपनी साली से शादी करना दैट इज़ परमिटेड मुस्लिम्स में भी लेकिन जब तक आपकी वाइफ ज़िंदा है आप वाइफ की सिस्टर से शादी नहीं कर सकते ठीक है ठीके? तो यहाँ पे क्या आ गया आपका सरोल पॉलीगाइनी या नॉन सरोल पॉलीगाइनी विच ऑफ दिच टाइप ऑफ पॉली एंड्री इन्वॉल्व ब्रदर्स शेयरिंग अ कॉमन वाइफ भाई है यहाँ पे ब्रदर्स मैंने कहा ब्रदर क्या हो गया आपका फ्रेटर्नल पॉली एंड्री ठीक है कॉमन वाइफ दैट मीन बीबी एक है हस्बेंड काफी है तो वो कौन सा आपकी शादी ये होता है फॉर्म पॉली एंड्री तो ये क्या हो गया आपका फ्रिटर्नल पॉलीएंड्री तो ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में पढ़ाई हाँ है आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये सारा इतना जल्दी जल्दी बता रही है ये अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा है जो मेरा चैप्टर है एफ का फैमिली मैरिज किनशिप वो चैप्टर आप पहले देखो पूरा उसके बाद ही एक कर सकते हो मोनोगी इस प्रैक्टिस समझ बिच ट्राइबल ग्रुप आपको नोट्स में मिल गए होंगे काफी ट्राइबल ग्रुप के नाम जहाँ पे शादियां जो है टाइप्स ऑफ मैरिज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज प्रैक्टिस होती हैं तो इसका आंसर होगा संताल्स वॉट इज ग्रुप मैरिज ऑल्सो नोन एज ये भी मैंने आपको पढ़ाया हैी मोनोगी क्या होता है रेयर अरेजमेंट वेर हसबेंड एंड वाइफ्स आर कॉमन विद इन ग्रुप दट इज योर ग्रुप मैरिज विच फॉर्म ऑफ एक्सोगी इन्वॉल्व मैरिंग आउटसाइड वन ओन गोत्र वो क्या होता है गोत्र एक्जोगी एक्जोगी आउटसाइड अ ग्रुप चाहे अगर विलेज एक्सोगी हुई दैट मीनस आउटसाइड विलेज एंड एंडी क्या होगा आपका विद इन द ग्रुप तो यहाँ पे गोत्र की बात हो रही है तो आउटसाइड गोत्र अगर आप शादी करते हो उसको क्या हम बोलते हैं गोत्र एक्जोगी अकॉर्डिंग टू बृहस्पति हु के नॉट इंटरमैरिज ड्यू टू सपिंदर रिलेशनशिप अब सपिंद्र रिलेशनशिप क्या होता है जिसमें आप शादी नहीं कर सकते अप टू योर मदर्स साइड फाइव जनरेशन एंड अप टू योर फादर्स साइड थ्री जनरेशन यहाँ तक आप शादी नहीं कर सकते हो ठीक है तो क्या आ गया आपका इंडिविजुअल फ्रॉम सेम विलेज नहीं तो वो क्या हो जाएगा वो विलेज एक्जोगी से रिलेटेड होता है फ्रॉम सेम परिवार वो भी नहीं वो पिंडा एक्जोगी होता है फ्रॉम सेम बिलोंगिंग टू सेम गोत्र ये भी नहीं तो यह ऑफ स्प्रिंग एंड कॉमन पेरेंटेज की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम जनरेशन ट्रेस कर रहे हैं फ्रॉम मदर्स अप टू फ्यू जनरेशन एंड फादर अप टू फ्यू जनरेशन ये ठीक हो गया ट डज के एम कपाडिया आर्ग्यू अबाउट हिंदू मैरेज उन्होंने क्या कहा हिंदू मैरेज को कि क्या, क्या है इट इज अ सेक्रमेंट ठीक है तो इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस मैरिज को बोला जाता है मुस्लिम मैरिज को सेक्रमेंट होता है जिसमें एक सेक्रेट बॉन्ड शेयर होता है जो आपका सेक्रेड चीज होती है आपकी रिलीज चीज रिलिजन चीज से रिलेटेड होती है रिलीजस से ठीक है वो आपका सेक्रमेंट हुआ वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ़ हिंदू मैरिज सरमनी सप्तपदी क्या होता है आपके साथ फेरे जो वो लेते हैं उन फेरों में क्या होता है कुछ वाउस एक्सचेंज करते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा uh, मेल आगे होता है फिर थ्री में फीमेल आगे ऐसा कुछ प्रोसेस चलता है और फेरों के साथ साथ कुछ एक्सचेंज ऑफ वाउज भी होता है ठीक है तो वहां पे आगे एक्सचेंजिंग वाउस हाउ मेनी पंच महायोजनाज आर परफॉर्म डेली बाय द हाउस होल्डर विद हिज वाइफ पंच नाम में ही पंच पंच मीन योर फाइव विच राइट इज एसोसिएटेड विद हिंदू मैरिज कन्यादाना होमा वगदाना ये सारे हमने पढ़े हैं तो आंसर होगा ऑल ऑफ ऑफ द यजना इज नॉट एज अ पार्ट डेली ड्यूटीज ऑफ हाउस होल्डर ऑफ हिंदू मैरिज देव योजना भूत योजना पितृ योजना एंड योर विष्णु यजना तो हमने देव योजना भी पढ़ा भूत योजना भी पढ़ा पितृ योजना भी पढ़ा और क्या था आपका ब्रह्म यजना एंड मनुष्य यजना ठीक है अब मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रही है सारी चीजें क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं इसके लिए आपको वो वीडियो देखना होगा एफ के वाला फैमिली मैरिज किन्शिप वाला चैप्टर तो इसका आंसर क्या होगा विष्णु योजना क्योंकि ये मैंने आपको कहीं नहीं पढ़ाया तो आंसर वुड भी विष्णु योजना तो ये हो गया आपके फिफ्टीन चैप्टर फिफ्टीन एम ये एफ का सिर्फ पार्ट वन है पूरे चैप्टर के एम नहीं है सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊँगी एंड उसके लिए पहले आपको चैप्टर भी जरूर देखना होगा तभी ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो टिल द टाइम में अपलोड न्यू वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे कल तक ही ग्रे, है हाँ ग्रेट डे कल मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपका यूनिट थर्ड स्टार्ट होगा एंड आई होप आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए और आप एग्जाम क्वालिफाई करो बाय बाय टेक केयर है हाँ ग्रेट डे